अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर, दिस इज मी मुजाहिद इकबाल और आज मैं इस वक्त हायर स्मार्ट होम हरियावाला चौक फैसलाबाद में मौजूद हूं और आज जो प्रोडक्ट मैं लेके आया हूं वो है हायर की क्यू एलईडी। जी बिल्कुल, हायर ने 2022 में अपनी क्यू एलईडी लॉन्च कर दी है जो कि हैंड फ्री वॉइस कंट्रोल के साथ हायर ने फर्स्ट टाइम लॉन्च की है। इस वक्त मेरे पास हायर की 58 इंचीज 4K क्यू एलईडी मौजूद है जो कि उसकी आप पैकिंग देख रहे होंगे जो कि रूटीन के मॉडल से थोड़ी सी हटके है। इसके अंदर हम अगर इसके डिब्बे से चेक करें तो इसका मॉडल है S5 सीरीज का नाम है, एंड्रॉइड है और इसमें ओके गूगल के साथ साथ अगर आप नीचे वाले में देखें तो इसमें बिल्टन क्रोम कास्ट का ऑप्शन मौजूद है, 4K है इसमें जो है और भी बहुत सारे लेटेस्ट ऑप्शन मौजूद है। अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे और उसके बाद इसकी आपको सेटिंग बताएंगे, फीचर्स फंक्शन बताएंगे और आपको ये भी बताते चले कि इसमें कंपनी ने एंड्रॉइड भी 11.0 दिया है। तो आए अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त फर्स्ट लुक में हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है। आप इसकी फर्स्ट लुक में देखें कि कंपनी ने ये बॉर्डरलेस मॉडल दिया है, 4K में बॉर्डरलेस है और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो भी SS शेप के साथ हैं जो कि नॉर्मली ब्लैक कलर प्लास्टिक में आते हैं लेकिन कंपनी ने इसमें SS वाले ग्रे कलर के अंदर दिए हैं। अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करते हैं तो कंपनी ने इसमें 2 USB की पोर्ट्स दी हैं और इसमें 4 HDMI की पोर्ट्स हैं जो कि एक राइट साइड पे है और 3 इसकी बॉटम साइड पे है। उसके बाद इसमें ऑप्टिकल केबल का ऑप्शन मौजूद है, इसमें वीडियो का ऑप्शन मौजूद है ऑडियो वीडियो का और उसके साथ साथ इसमें एक्सेसरी कौन सी आती है, मेन पॉइंट है कि एक कंपनी पैक यूनिट के साथ कौन सी एक्सेसरी आती है तो मैं आपको वो भी दिखाता चलूं। इसके साथ आपको टेबल टॉप वॉल माउंट के साथ साथ जो वॉल माउंट है वो भी मिलेगा और टेबल टॉप वो भी दोनों चीजें दोनों ब्रैकेटें इसके साथ आती हैं। जो इसके साथ कंपनी रिमोट दे रही है वो ये वाला रिमोट है जो कि आपने नॉर्मली इससे पहले अगर हम बात करें तो सैमसंग ने भी ये रिमोट दिया था और इस वक्त हायर ये रिमोट लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर वॉइस कमांड का भी ऑप्शन मौजूद है जो कि फुली एंड्रॉइड है और स्लिम स्मार्ट रिमोट है। आए हम इसको भी टेबल टॉप करते हैं और फिर इसके फर्दर फीचर फंक्शन आपको दिखाते हैं कि अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। मेरे सामने डिस्प्ले में लग चुकी है और अब इसके मैं फीचर फंक्शन आपको बताऊंगा। जब भी आप एंड्रॉइड एलईडी को स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टर में सबसे पहले जितनी भी एंड्रॉइड एलईडीज आ रही है जिसमें वॉइस कमांड का या ब्लूटूथ का ऑप्शन मौजूद होता है वो आपसे सबसे पहले ये कमांड मांगती है कि क्या आप अपने रिमोट को एलईडी के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं या नहीं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंगली अपने रिमोट को इसके साथ कनेक्ट करें। तो इस वक्त जो है वो जैसे होम का बटन बता रहे हैं और उसके साथ जो है ब्लू कलर का बटन है जो कि वो कहते हैं कि प्रेस करें लेकिन हम इसको अभी स्किप कर देते हैं क्योंकि हम इसके साथ अभी इसका रिमोट कनेक्ट नहीं करना चाह रहे। अभी हम इसमें रूटीन के मॉडल जो है वो रूटीन के रिमोट से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि किस लैंग्वेज में आप सेटिंग करना चाह रहे हैं तो इसमें आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद जब आप इसके सेटअप पे जाएंगे क्विक सेटअप में आपने यहाँ पे इसको भी स्किप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे इंटरनेट का पासवर्ड देंगे कि किस इंटरनेट पे आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली जो है वो अपने इंटरनेट का पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। जी तो जी आप देख रहे हैं इस वक्त ये इंटरनेट के साथ एलईडी। जी नाजरीन, तो इस वक्त जो है वो एलईडी की सेटिंग हो चुकी है और हम लोग जो है इसको फाइनल टच दे रहे हैं। इस वक्त मैं उसको डिटेल मोड पे ऑन करूंगा क्योंकि इस वक्त ये शोरूम पे मौजूद है तो उस पर मैंने इस वक्त जो रिटेल मोड है वो ऑन कर दिया है और
अभी मैं इसकी आपको 4K की क्वालिटी और बाकी फीचर्स फंक्शन सारे गाइड करता हूँ। जी नाज़रीन, तो एलईडी डिस्प्ले में इस वक्त इंस्टॉल हो चुकी है और इसका अगर आप मेन बार देखते हैं तो इस पे कंपनी ने नेटफ्लिक्स का ऑप्शन दिया है, लाइव टीवी का ऑप्शन दिया है, उसके बाद मैट्रिक्स का है जिसमें बहुत सारी हायर की एप्स मौजूद हैं। हायर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप इस ऐप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक एलईडी है, लाइक एसी है, आपका स्प्लिट एसी हो गया, उसके बाद वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और हुड, हायर का स्मार्ट हुड, ये सारी चीजें आप इस एलईडी के साथ कनेक्ट करके इस एलईडी के थ्रू आप कमांड दे सकते हैं। उसके बाद इसमें कंपनी ने गूगल का प्ले स्टोर दिया है जिसमें आप टीवी के रिलेटेड कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसमें यूट्यूब का ऑप्शन मौजूद है, गूगल प्ले मूवीज का ऑप्शन मौजूद है, इसके साथ साथ इसमें मीडिया प्ले का ऑप्शन है, प्ले गेम्स का है, प्राइम वीडियोस का है और यूट्यूब म्यूजिक का ऑप्शन है। जहां पे आप, अगर मैं इसका आपको भी डेमो चेक करवाता हूं जो कि इसका 4K है और उसमें पिक्चर की क्वालिटी क्या आ रही है, आप इस रिकॉर्डिंग में भी देख पाएंगे। फर्दर आप इसको गूगल कर सकते हैं, हाय पाकिस्तान की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे बहुत सारे इनके स्पेक्स मेंशन है और वहां पे आप इसको थोड़ी स्टडी कर सकते हैं। ये इस वक्त आप इसकी इसका डेमो जो है वो देखें जिसमें वो बता रहा है कि इसमें वाइट गैमट जो कलर इस्तेमाल हुए हैं और इसमें 4K इसकी रेजोल्यूशन है जो कि इस वक्त मैक्सिमम है और इसमें HDR यूज किया गया है और डॉल्बी डिजिटल के साथ है और भी सारे लेटेस्ट फीचर फंक्शन अभी आपको स्क्रीन पे वाजे हो जाएंगे। Show me my schedule. Search for sitcoms. What's the weather like in London today? In London, Monday, David Poverty Calling is on Sandy Jewel and No 57. जी नाज़रीन, तो जैसे कि आपको मैंने एक शॉर्ट सा इसका ब्रीफ किया है S5 सीरीज का, तो आप फिजिकली इसको अगर आप देखना चाहें तो आप हायर स्मार्ट होम हरियावाला चौक फैसलाबाद में विजिट कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं बताता चलूं कि कंपनी ने 55 इंचीज, 58 इंचीज और 65 इंचीज के तीन डिफरेंट साइजेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं QLED में, जो कि हमारे पास फिजिकली अवेलेबल हैं, आप हायर स्मार्ट होम पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।